everyone and welcome to con study i am hannah's bashir and as you know we are done with our basic part of our subject so today we'll be discussing the importance or practical use of it which is chemistry in everyday life okay सो एज़ यू नो हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा रोल है बिकॉज ऑल द प्रोसेस लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ हर डे वो हर कोई चीज़ जो हमारी डेली लाइफ में होती है जो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं इट्स एक्चुअली इंटरलिंक्ड विद केमिस्ट्री एंड द डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ठीक है सो अभी तक हमने पढ़ा वट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एंड इन दिस पार्ट वील बी डिस्कसिंग इट्स एप्लीकेशन पार्ट सो हम एक्चुअली केमिस्ट्री को मेनली थ्री मेजर एरियाज में स्टडी करते हैं विच इज मेडिसिन फूड मटीरियल एंड क्लिनजिंग एजेंट ओके सो वार्ट विद मेडिसिन वट मेडिसिन आर एक्चुअली दिस आर केमिकल सबस्टांसिस नेचुरल और सिंथेटिक ऑरिजिन विच आर यूज फॉर क्योरिंग डिजीज एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्राम पेन और कॉल्ड मेडिसिन और ड्रग्स तो मेडिसिन वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका या तो नेचुरल या तो सिंथेटिक ओरिजिन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्योर ए पर्टिकुलर डिजीज़ तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम मेडिसिन बोलते हैं ठीक है और वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाई यूजिंग सूटेबल केमिकल मेथड्स और कार्ल्ड केमोथेरेपी तो केमोथेरेपी इज़ एक्चुअली केमिकल ट्रीटमेंट फाइन नो मेडिसिनल केमिस्ट्री विच डील्स विद द डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जो डील करती है विद द डिज़ाइन डिजाइन इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ द ड्रग कम्पोज इस ड्रग में उस मेडिसिन में क्या कंपोजिशन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं ठीक है वट आर ड्रग्स और मेडिसिन तो मेडिसिन वो केमिकल सबस्टांसिस हैं जो इंट्रैक्ट करते हैं विद द माइक्रोमोलिकुलर टारगेट्स इन आर बॉडी टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स न वट इज माइक्रोमोलिक्युलर माइक्रोमोलिकुलर मीन्स माइक्रो मीनज वेरी लार्ज एंड मोलिक्युलर मीन्स मोलिक्यूल ये एक बायोलॉजिकल पॉलिमर जो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इंट्रैक्ट करके लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स या तो लिपिड्स तो प्रोड्यूस करता है एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उस ज उस केमिकल सब्स्टांस को हम मेडिसिन या ड्रग बोलते हैं नाउ व्हाट्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेडिसिन एंड ड्रग्स ए मेडिसिन इज़ अ केमिकल सबस्टांस विच क्यूअर्स द डिजीज एंड इज सेफ फॉर यूज हैज़ नेग्लिजिबल टॉक्सिसटी एंड डज नॉट कॉज एडिक्शन तो मेडिसिन वो केमिकल सबस्टांस है जो हम यूज़ करते हैं टू तो क्योर डिजीज और वो होता है सेफ़ टू यूज़ सेफ टू कंज्यूम हैज़ नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी जिसकी नेग्लिजिबल टॉक्सिसटी होती है नेग्लिजिबल मीन्स टू स्मॉल जो काफ़ी स्मॉल होती है एंड विच कैन बी नेग्लेक्टेड ओके टॉक्सिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ बींग ट्सिक तो इसकी नेग्लिजिबल टॉक्सिसिटी होती है एंड हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती इसकी एडिक्शन नहीं लगती लगती इंसान को इन कंट्रास्ट एट ड्रग इज केमिकल केमिकलस्टांस विच द डिजीज बट इज़ हैबिट फॉर्मिंग लेकिन जो ड्रग होता है वो क्या करता है वो भी केमिकल सबस्टांस ही होता है और वो भी डिजीज ही क्योर करता है लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वट इट डज इसकी इंसान को एक हैबिट लग जाती है एडिक्शन हो जाती है जो कि इसके काफ़ी खतरनाक सीरियस साइड इफेक्ट होता है नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ड्रग्स वी हैव एंटी तो एंटी क्या होते हैं पहले मैं बताऊंगी आपको जो हमारा स्टमक है वो एक एसिड रिलीज करता है जिसको हम एक्सएल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड तो क्या होता है कभी कभार ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक कॉजेज इरीटेशन एंड पेन इन सीवियर केसेज अल्सर्स आर इन द स्टमक ओके तो कभी कभार ओवर प्रोडक्शन हो जाती है ज़रूरत से ज़्यादा हमारे स्टमक में एसिड uh, स्क्रीट होता है बाई स्टमक तो उसकी वजह से हमारे स्टमक में जो होती है पेन हो, हो जाती है इरीटेशन हो जाती है एंड इन सीवियर केसेस कभी कभी अल्सर्स भी प्रोड्यूस होते हैं इन स्टमक ठीक है तो अब एंटी एसिड्स क्या है ये वो क्लास है ड्रग्स का मेडिसिनल सबस्टेंस uh, 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 का जो न्यूट्रलाइज करते हैं उस एक्सेस एसिड को और उस पी एच को इंक्रीज करते हैं अपू एन अप्रोप्रेट लेवल इन द स्टमक और कॉल्ड एंटी मतलब ये उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे स्टमक का पी एच टू एन अप्रोप्रेट लेवल तक लाते हैं इसमें हमें है एग्जाम्पल्स लाइक वी हैव सोडियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट ओके नाउ वी हैव एंटी हिस्टमीन्स तो एंटी हिस्टमीन्स क्या होती है एंटीमीन्स अगेंस्ट एंड हिस्टमीनस क्या होती है कभी क्या होता है? है जो कुछ लोग होते हैं दे वो होते हैं सेंसिटिव टू सर्टेन लाइक सम परसन हैव हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, डस्ट पोलिन ग्रेन्स, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड और फैब्रिक इज़ कॉल्ड एलर्जी एंड इज़ ड्यू टू द रिलीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टमिन इन द बॉडी तो क्या होता है कुछ लोग जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जिक होते हैं तो उस एलर्जी को uh, मतलब उस एलर्जी को रिस्पॉन्ड करते है हमारी बॉडी उसको एक इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं ठीक है थीके? तो वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है वो एक्चुअली अ बॉडी रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन जो हमारी बॉडी है वो उस एंटीजन और एलर्जी को रिस्पॉन्ड करता है कैसे करता है बाई लिम्फोसाइट्स तो लिम्फोसाइट्स क्या होती है वो टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का होता है ठीक है नाउ वॉट आर दिज एंटी हिस्टमीन्स ये वो ड्रग्स है विच इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टमिन बाई कम्पीट कम्पीटिंग विद हिस्टमीन फॉर बाइंडिंग साइड्स ऑफ रिसेप्टर्स वस्टमीन्स एक्जर्ट्स इट्स इफेक्ट और कॉल्ड एंटी हिस्टमीन्स तो जो एंटी हिस्टमीनस होती है दीज आर एंटी एलर्जिक ड्रग्स इसकी वजह से क्या होता है ये एलर्जी को कम्बैक्ट करते सप्रेस करते हैं एंड दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एंटी हिस्टमीन ड्रग्स फाइन सो एंटीहर और एंटी एलर्जिक ड्रग्स दीज आर वाइडली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर कंजक्टिवाइटीज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आई एक्स्ट्रा तो ये जो ड्रग्स होते हैं इनको हम वाइडली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए जब हमें कभी पोलन की वजह से एलर्जीज हो जाती है फीवर हो जाता है एंड कंजक्टिविटीज़ इज़ एक्चुअली दिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आई ना वॉट इज़ कंजक्टिव और कंजंक्टिव इज एक्चुअली अ क्लियर म्यूकस मम्ब्रेन जो लाइन करता है द इनर सरफेस ऑफ आवर आईलेट एंड द एक्सपोज सरफेस ऑफ और आई बॉल ओके तो द एंटीस्ट हिस्टमीन ड्रग्स विच आर वाइडली यूज आर ब्रोमोफेरामाइन एंड टेफ्रेडीन विच एंड कॉमनली यूज आज डाईफिनाइल हाइड्रोमाइन विच इज़ इसका ट्रेड नेम है बेनेड्रिल एंड वी हैव स्ट्रेजीन ओके ना वी हैव न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स सो एज़ यू नो न्यूरोलॉजी इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द ब्रेन और आपको जो पता है हमारा जो ब्रेन है उनमें उसमें काफ़ी स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम न्यूरो बोलते हैं ठीक है थीके? तो नो वट आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स ये क्या करते हैं दे एक्चुअली अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर नाउ वी हैव ट्रेंक्यूलाइजर्स व्हाट आर ट्रेंक्यूलाइजर्स दिज आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस फटीक माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीज और कॉल्ड ट्रेंक्यूलाइजर्स दे रिलीव एनजाइटी स्ट्रेस इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट बाई इंड्यूसिंग ए काइंड ऑफ सेंस ऑफ वेलबींग दे आर एसेंशियल कंपोनेट्स ऑफ स्लीपिंग पिल्स तो जो ट्रेंक्यूलाइजर्स होती है दे एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल इन अवर बॉडी सो कभी कभार क्या होता है कोई इंसान जो डिप्रेशन uh, से डिप्रेशन को जो कि डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है तो उसको क्या जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो उसको रिकमेंड करते हैं दीज ट्रैंक्यूलाइजर्स बिकॉज दे रिलीव टेंशन दे रिलीव स्ट्रेस ओके तो इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है वो है क्लोरोडाइजॉक्साइड वेलियम एंड मेट्रोनोमेट ठीक है नव वी हैव एनालजिस्कस एनालजिस्कस कौन से ड्रग्स है दीज आर दोज ड्रग्स विच एबॉलिश पेन विदाउट कॉजिंग रिडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस मेंटल कन्फ्यूजन और सम अदर डिस्टर्बेंसेज और कॉल्ड एनाजिकस ठीक है तो एन एल जैसे दोज ड्रग्स जो पेन को ख़त्म करते हैं विद आउट रिड्यूसिंग द कॉन्शियसनेस और मेंटल कन्फ्यूजन और सम अदर डिस्टर्बेंस इन आवर बॉडी ठीक है without, uh, body, तो इसमें हमारी एग्जाम्पल है एस्प्रिन हैव पेरास्टामोल ठीक है

तो एस्पिरिन जो इतना इम्पोर्टेंट और इतना फेमस होने के बावजूद भी इस पर एक बैन आ गई है क्योंकि क्या है कि जो एस्पिरिन है ये दवाई इसकी वजह से दिस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिवर सेरोसिस इट डिस द सेल्स ऑफ लिवर ओके तो आपको पता ही होगा एस्पिरिन का सोर्स क्या है इट्स एक्चुअली डिराइव और एक्सट्रैक्टेड फ्राम द विलो विच इस ट्री ओके Now we have antimicrobials. Antimicrobials are drugs. These are those drugs which are used to cure disease caused by microbes or microorganisms such as bacteria, fungi, etc. तो एंटी माइक्रोबियल्स वो ड्रग्स है वो मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं टू क्योर डिजीज़ कॉजबाई माइक्रो सच सजेज बैक्टीरिया एंड फंजे वो डिजीज़ जो हमारे में ऑकर होती है एक कॉजल ऑर्गेनज़म उस डिज़ीज़ का होता है या तो बैक्टीरिया होता है या तो फंजी होता है दीज इंक्लूड्स एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटी फंगल्स ओके सो नाउ वट आर एंटी सेप्टिक्स तो एंटीसेप्टिक वो है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्राम इन्फेक्शंस एंटी सेप्टिक इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट फ्राम इन्फेक्शन नाउ वी हैव एंटीबाओटिक्स एंटीबायोटिक्स आर दोज कैमिकल्स विच आर इन लो कंसनट्रेशन इधर किल और इन्हीबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम बाई इंटरवीनिंग इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सबस्टेंस होते हैं जो कि लो कंसनट्रेट होते हैं और या तो वो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया या फंजी को या तो इनहिबिट यानी सप्रेस करती है उसके ग्रोथ को ठीक है बाय इंटरवीनिंग इन देर मेटाबॉलिक प्रोसेस इंटरवीनिंग यानी टू अल्टर उसकी चेंज करती है उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इसमें हमारी एग्जाम्पल है पेंसिलिन पेंसिलिन जो कि हमारा पहला एंटीबायोटिक था जिसको हमने ऑब्टेन किया था पेंसिलियम नोटेटम से ठीक है नाउ वी हैव केमिस्ट्री इन सप्लाई ऑफ फूड

हमारा uh, कोई भी फूड मटेरियल कितने टाइम तक रहता है विदाउट स्पॉयलेज उसको हम कीपिंग क्वालिटी बोलते हैं ठीक है थीके? उसकी फूड की अपेयरेंस फूड का टेस्ट एंड ओडर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ और कॉल्ड उन केमिकल्स को हम फूड एडिटिव्स बोलते हैं ठीक है सम इम्पॉर्टेंट फूड एडिटिव्स आर फूड कलर्स फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स एंटी एंड प्रिजर्वेटिवस ओके तो वील स्टार्ट विद फूड प्रिजर्वेटिवस

इसमें हमारा टेबल सॉल्ट है अगर हम हाई कंसनट्रेशन लेते हैं सॉल्ट की या तो शुगर की दे ऑल्सो एक्ट एज़ प्रिजर्वेटिव वी हैव साइट्रिक एसिड सोडियम बैनजोएट एंड ऑल्सो वन अनदर पोटेशियम मेटोबाइज वो भी एक्ट करता है एज फूड प्रिजर्वेटिव

दैन वी हैव सम की पॉइंट्स लाइक जो हमारे प्रिजर्वेटिवस हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं एज एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी रॉपनिंग एंड एंटी माइक्रोबियल वट आर एंटी ऑक्सीडेंट्स दीज आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल ओके तो एंटी रॉइपनिंग क्या होती है जो कि हमारे फूड मटीरियल की रेस्परेटरी एक्टि रेस्परेटरी एक्टिविटी जो होती है उसको स्टॉप करती है उसको सप्रेस करती है देन वी हैव एंटी माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल it checks the microbial growth which are actually responsible for the spoilage of the food material okay now uh, we have butylated hydroxyanisole and butylated toluene. these are used as antioxidant preservatives आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पास थ्रू ह्यूमन बॉडी अनमेटोबलाइज सो अर ऑल्सो कॉल्ड एज लो कैलोरी स्वीटनर्स जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स uh, होते हैं वो क्या होते हैं वो कैलोरी फ्री होते हैं ठीक है थीके? वो खाली एक टेस्ट इम्पार्ट करते हैं फूड को बाकी वो जो हमारी बॉडी से पास होते हैं अनमेटोबलाइज ठीक है जायलेटॉल यूज एज स्वीटनर इन शुगरलेस चुविंगम्स जो जायलेटॉल एक कंपाउंड uh, है वह हम यूज़ करते हैं एज स्वीटनर इन अवर शुगरलेस च्विंगम्स ठीक है ना वी हैव एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स ऑफ केमिकल्स विच आर यूज टू प्रीवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन प्रोसेसड फूड सचेज पोटैटो चिप्स बिस्किट्स ब्रेकफास सीरील्स तो एंटी ऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन ऑफ फैट जो हमारे प्रोसेसड फूड में होता like, है लाइक हमारा पोटैटो चिप्स है वी हैव बिस्किट्स वी हैव ब्रेकफास्ट सीरियल्स एक्सट्रा दे ऑल्सो रिड्यूज़ द रेट ऑफ इन्वॉलमेंट ऑफ़ फ्री रेडिकल्स इन द एजिंग प्रोसेस सो एज यू नो हमारे में जो एजिंग होती है उसके पीछे एक कॉज होता है जिसको हम फ्री रेडिकल मैकेज़म बोलते हैं जो हमारी बॉडी में रेडिकल्स फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट वी कॉल्ड एजिंग तो ये क्या होते हैं जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं उस रेट को रेट इज़ एक्चुअली द स्पीड जिसकी जिस स्पीड से वो रेडिकल्स फॉर्म होते उसको डिक्रीज़ करते हैं उसको रिड्यूस करते हैं ठीक है We have example uh, this uh, BSG and BHG. Oxygen reacts preferentially with BHG and BHJ rather with the oxidizing fats or oils, thereby protecting them from spoilage. तो ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्ट करता है दीज दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ सो दैट व्हाट वी कॉल्ड जो हमारा फूड है उसको वो प्रिवेंट कर सकते कर सकता है फ्रॉम द स्पॉयलेज तो यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी वट इज़ बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरियो साइडल डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरियो साइडल इज दिस अगर हम बात करेंगे बैक्टीरियो स्टैटिक की तो ये वो केमिकल कंपाउंड्स है जो एक बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करते हैं फॉर एक्जाम्पल पल अगर हमारे में एक बैक्टीरियल ग्रोथ हम लेंगे इफ़ वी हैव एन इन्फेक्शन ऑफ हंड्रेड बैक्टीरियाज तो बैक्टीरियो स्टैटिक जो होते हैं, वो उस ग्रोथ को सप्रेस करते उससे आगे बढ़ने नहीं देते नाउ वी हैव बैक्टीरियो साइडल साइडल मीन्स किलिंग इफेक्ट जो बैक्टीरियो साइडल्स होते हैं वो हर एक बैक्टीरिया को किल करते हैं ठीक है आई होप दिस मंच इज क्लियर एंड इफ कुछ है जो मुझसे स्किप हुआ हो या जो आपको समझ नहीं आया तो काइंडली मैंशन इन द कमेंट सेक्शन ठीक है तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई ट्राई टू इंक्लूड दैट पॉइंट एज वेल टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल